नमस्कार प्रिय अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, कक्षा अरुण विषय गणित बाकी करेंगे। हमने पहले अंक पहचान किया था, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ की थी। अब छोटे छोटे बच्चों को बाकी कैसे करते हैं, यानी अंकों को घटाते कैसे हैं, उसके बारे में हम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे संख्याओं को घटाया जाता है और किस प्रकार से उन्हें कम करके उनकी संख्या अर्जित की जा सकती है। जैसे हमने कहा 7, इसमें से घटाएंगे जैसे 5, या हम ले सकते हैं 7, पहले 7 संख्या लेंगे और फिर इसमें से 5 को घटा देंगे। 7 में से 5 को घटाते हैं तो क्या बचता है, पहले हम वस्तुएं गिनेंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 संख्याएं आ गई, यानी 7 वस्तुएं हमारे पास हैं, उनमें से हमें 5 कम करने हैं। तो बच्चों को बताएंगे पहले 7 वस्तुएं गिनेंगे, फिर उनमें से 5 को कम करेंगे। ये 7 हमारे पास है, उनमें से 5 कम करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वस्तुएं हमने कम कर दी। अब बच्चों से पूछेंगे हमारे पास शेष वस्तुएं कितनी रही, तो बच्चा गिनेगा 1, 2, तो बच्चों शेष संख्याएं रही 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हैं, जैसे हमने कहा हमारे पास यहाँ पे है 9, 9 में से हम 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे यानी 9 में से 4 कम करेंगे। तो बच्चों को हम कहेंगे 9 गिनेंगे पहले, जैसे 1, 2, हमारे घर पे कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, उनकी सहायता से हम ले सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9, ये 9, यानी हमारे पास 9 लिखे हुए हैं और 9 वस्तुएं हैं। अब इनमें से हमारे को 4 वस्तुएं कम करनी है, तो हम 4 वस्तुएं इनमें से कम करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 4 वस्तुएं हमने कम कर दी। अब हम शेष जो बची वस्तुएं हैं उनकी हम गिनती करेंगे, तो शेष वस्तुएं हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, शेष वस्तुएं हमारे पास कितनी बची है, 5, ये कितने हैं, 5 हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वस्तुएं हमारे पास शेष बची है। तो शेष जो वस्तुएं बची हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएंगे 5। इस प्रकार की हम कितनी भी कैसी भी जो बाकी करेंगे तो आसान तरीके से हम इनको कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं 8, और उसमें से हमको घटाना है 6, 8 में से घटाएंगे, ये चिन्ह बाकी का है, कम करने का होता है। तो हम सबसे पहले 8 वस्तुएं गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 वस्तुएं हमने गिन के रख दी। अब इनमें से 6 वस्तुएं अलग कर देंगे, तो 6 वस्तुएं अलग की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वस्तुएं हमने इनको अलग रख दी। अब जो शेष बची उन वस्तुओं की गिनती कर ली जाएगी, तो 1, 2, अब हमारे पास संख्याएं वस्तुएं 2 बच गई, इसका उत्तर भी आ गया 2। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के हम संख्याएं और बाकी कर सकते हैं।